हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हम एक बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि एक बहुत, कहने को तो बहुत छोटा सा ये टॉपिक है, विषय है, लेकिन इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है जो कि हम में से बहुत लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं है। और ये विषय क्या है? विषय है कि जब भी हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अनुसार, एक मुखी दीपक या दो मुखी दीपक आपने देखा होगा, तीन मुखी भी देखा होगा, चार मुखी भी देखा होगा, तो ये कब कब और क्यों जलाए जाते हैं, इनका क्या महत्व है और इनसे मिलने वाले वो कौन से लाभ हैं जो जातक को सीधे सीधे प्राप्त होते हैं, कौन से वो लाभ हैं कि अलग अलग मुखी दीपक, पहले तो उसके विषय में जानेंगे कि ये कब और क्यों जलाया जाता है, फिर उसके लाभ के विषय में जानेंगे। तो आइए प्रिय साथियों, आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक मुखी दीपक और दो मुखी दीपक जलाने के पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या हमारे जो धर्म और शास्त्रों के अनुसार क्यों ऐसा किया जाता है, एक मुखी या दो मुखी, अलग अलग महत्व हैं जैसा मैंने कहा इन सब के, और ये हमें कब और क्यों जलाने चाहिए इसके बारे में जानेंगे। हमारे शास्त्रों में इसका बहुत ही सुंदर उल्लेख मिलता है। यूं तो हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार जिन पांच तत्वों का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है प्रिय साथियों, उससे तो लगभग हम सभी लोग अवगत हैं। और वो क्या है? जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, ये पांच तत्व हैं, इनसे हमारा शरीर बना है, शरीर की रचना हुई है, और इन सभी में ईश्वर का तत्व भी विद्यमान होता है, ये भी मान्यता है हमारे शास्त्र मत के अनुसार। और हमारा जीवन भी इन पांच तत्वों से ही मिलकर बना हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। और इन सभी पांच तत्वों में अग्नि को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। साथियों, अग्नि के रूप में जब भी हिंदू धर्म के अनुसार पूजा अर्चना हम करते हैं तो उसमें दीपक को जला करके ही पूजा की जाती है, तथा हवन, यज्ञ इत्यादि भी सब उसमें अग्नि का महत्व है। अग्नि के बिना ना हवन संपन्न हो सकता है, ना यज्ञ हो सकता है। तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार ये परंपरा जो है ये चलती आ रही है। तो इससे ये स्पष्ट रूप से पता लगता है प्रिय साथियों कि अग्नि का कितना अपने आप में महत्व है हमारे हिंदू धर्म में पूजा के समय पर। और हमारे जीवन में उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अग्नि में, ये भी हमारे धार्मिक परंपरा है कि उसके अनुसार ऐसी सोच है कि ईश्वर का अंश होता है अग्नि में। और ये जो मान्यता है, ये हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने शास्त्रों की बात कर रहे हैं उनके अनुसार, इसलिए अग्नि को सर्वाधिक पवित्र माना गया है। प्रिय साथियों, हमारे हिंदू धर्म में दीपक का इतना महत्व है कि हम दीप माला को लेकर के भी पूरा पर्व मनाते हैं, दीपों की माला, जिसको हम दीपावली के नाम से जानते हैं, यानी कि दीपावली के दिन हम दीपों की माला ही तो जलाते हैं, लड़ी पूरी दीपों की, दीपकों की। तो साथियों, अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक तौर पर हम प्रकाश को ईश्वर का ही रूप मानते हैं, ये सत्य है। और यही कारण है कि जब भी ईश्वर की हम पूजा करते हैं तो सदैव दीपक जला करके ही पूजा करते हैं, वो भी देसी घी का दीपक, क्योंकि दीपक की ज्योति को हम ईश्वर मान करके हम पूजा करते हैं। साथियों, दीपक जलाकर पूजा करने से एक तो हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि मन एकाग्र होता है, ध्यान हमारा पूरा वहीं पर रहता है और रहना भी चाहिए, और दीपक जलाने से और ऐसा होता है, और क्योंकि मन एकाग्र होता है। दूसरी बात ये कि जो भी हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी दूर हो जाती है, और आसपास का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो पूर्ण रूप से एकदम शुद्ध हो जाता है। और जिस कार्य के लिए भी हम पूजा करते हैं, ईश्वर हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं, तथा हमें उनकी विशेष कृपा भी प्राप्त तभी होती है जब हमारी पूजा स्वीकृत होती है प्रभु के द्वारा। तो साथियों, अलग अलग मुखी दीपक जला करके पूजा करने से, जैसे एक मुखी हुआ, दो मुखी हुआ, तीन मुखी हुआ या फिर चार मुखी, हम अपनी मनोकामनाएं उसके द्वारा पूर्ण करते हैं इनको जला करके। अगर हम एक मुखी दीपक की बात करें तो उसमें केवल एक ज्योति होती है, ये हम सब जानते हैं,
और जो लौ होती है, जो दीपक में जो लौ जलती है, उसका जो मुख है वो भी दीपक जो है उसको भगवान की तरफ, देवताओं की तरफ करके रखना होता है, रखा जाता है। और दीपक जो है ये एक मुखी जो दीपक है, इसको एक ही मुखी दीपक कहा जाता है। और ये दीपक जो है सामान्य रूप से लगभग हर प्रकार के पूजा पाठ में इसका उपयोग होता है, चाहे वो मंत्र हैं या जाप हैं, कोई भी हम चीज कर रहे हैं उसमें ये एक मुखी दीपक का प्रयोग किया जाता है। दीपक जलाकर दीपक का मुख, जैसा मैंने कहा, हमेशा देवी देवताओं की ओर होना चाहिए। और यदि यह एक मुखी दीपक आप सदैव अपने घर में जलाते हैं, पूजा घर में, तो उन जातकों पर भगवान की, परमात्मा की, ईश्वर की सदैव कृपा बनी रहती है। और सायंकाल भी अगर आप इस एक मुखी दीपक को अपने घर में जलाते हैं, पूजा घर के सामने या पूजा घर में, तो भी परमात्मा की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है। तो परमात्मा की कृपा जब बनती है तो क्या होता है, घर में शांति पूर्ण माहौल होता है, शुद्ध वातावरण रहता है घर का, माँ लक्ष्मी जी का भी आगमन रहता है, माँ लक्ष्मी जी स्थिर रूप से वहाँ पर विराजमान होती हैं। और साथियों आपको एक और इसका महत्व बताते हैं एक मुखी दीपक का, कि अगर कार्तिक माह में, जो कि अभी चल रहा है ये कार्तिक माह, इस कार्तिक माह में तो एक मुखी दीपक घरों में, पूजा घर में जलाकर अगर आप पूजा करते हैं पूरे कार्तिक माह, संध्या के समय देसी घी का दीपक, तो सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। ये मान्यता हमारे शास्त्रों के अनुसार हम बात कर रहे हैं, जो हमारे शास्त्र कहते हैं। और ये दीपक जैसा मैंने कहा कि देसी घी का ही होना चाहिए। और अब आपको हम दो मुखी दीपक के बारे में बताएंगे कि इस दो मुखी दीपक को कब और क्यों जलाना चाहिए, इसका क्या उपयोग होता है, किस कार्य में उपयोग होता है, कौन सी मनोकामना पूर्ण करने के लिए दो मुखी दीपक हम उपयोग में लाते हैं, जलाते हैं। तो जब देखिए क्या है कि इस दीपक को विशेष रूप से तभी जलाया जाता है, दो मुखी दीपक को, कि जब जातक को स्वास्थ्य लाभ चाहिए होता है तथा आयु की रक्षा के लिए दो मुखी दीपक पूजा में उपयोग होता है। इस प्रकार के दीपक में दोनों ओर की जो बाती है उसको जलाया जाता है, यानी कि बाती का आगे का सिरा और पीछे का सिरा, एक सिरा सामने का तो भगवान की ओर रहता है, ईश्वर की ओर, देवी देवताओं की, दूसरा आपकी ओर, तो दोनों सिरे जलाए जाते हैं, इसको दो मुखी दीपक कहा जाता है। और ये तो हमने आपको बता दिया कि बाती जो होती है उसके दोनों सिरों को जलाया जाता है, दो मुखी तभी कहलाता है ये दीपक। और अगर आप दो मुखी दीपक भगवान शंकर जी के सामने जला करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, महामृत्युंजय के जाप करते हैं मंत्रों का, महामृत्युंजय के अगर मंत्रों का जाप करेंगे दो मुखी दीपक जला के, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य को लाभ प्राप्त होता है आपके, और साथ ही आयु की भी भगवान रक्षा करते हैं शंकर भोले बाबा। तो प्रिय साथियों, आपको आज एक मुखी और दो मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी और दो मुखी दीपक के विषय में जो जानकारी हमने दी है इस चर्चा के दौरान, ये आपको इसका आज जानकारी से आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा, सभी को ऐसा हमारा विश्वास है। और ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनते हैं उनकी सीधी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस सारे आप तक पहुंच सकें समय रहते, तो फिर जो बेल आइकन है इसको आप जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।